हेलो वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो जो है लीब्रा कैल्क की है, काफी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसलिए भी, और अगर आप परिपक्व हैं, मैच्योर हैं लीब्रा कैल्क में, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है वीडियो। तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर हमको राम के सारे सब्जेक्ट का टोटल करना है तो हम डायरेक्टली आप लगाते हैं इक्वल टू सम का फॉर्मूला, और यहाँ पर हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और आसानी के साथ हमें ये ऐड होकर मिल जाता है। तो ये 311 आ चुका है देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सबका टोटल नंबर आ चुका है। ठीक है, ये आ गया ना। अब यहाँ पर टोटल तो होके आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना है। तो चलिए सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट की बात है, कंट्रोल शिफ्ट और एल जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई होता है। देख सकते हैं आपको खाली सब्जेक्ट 1, 2, 3 का टोटल देखना है, तो यहाँ से बाकी सब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर देते हैं और 1, 2, 3 को ही सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, ये 311 टोटल तो हमारा वही रहा जो सारे सब्जेक्ट का था, टोटल भी तो चेंज होना चाहिए, टोटल तो हमारा वही रह गया। तो अभी ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, सम का फॉर्मूला यहाँ आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको फिल्टर के थ्रू देखना है कि हाँ इतने सब्जेक्ट का टोटल क्या हुआ, इसका टोटल क्या हुआ, अगर आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप जो है सम का फॉर्मूला लगाकर नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला है सब टोटल। चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ सब टोटल, क्या लिखा मैंने, सब टोटल लिख दिया। यहाँ पर सब टोटल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये लिखा मैंने सब टोटल। कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है सब टोटल। और सब टोटल लिखने के बाद करना क्या है, सबसे पहले फंक्शन यूज करना। देखिए फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सम हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हो सकता है, कोई और भी सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं जनरली वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे नाइन रखना है। नाइन एक कोड है जो सम के लिए यूज होता है, ये लीब्रा ऑफिस कैल्क है, तो हमको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है, ये ध्यान रखना है, कॉमा ही लगाना है। तो लगा दीजिए कॉमा। अब रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए, ये हमारी रेंज है ना, सेलेक्ट किया। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देखिए मैं ब्रैकेट को क्लोज करने जा रहा हूँ, हमारा काम हो चुका है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, ये सम करने के लिए 9 कोड मैंने दिया है। ठीक है, यहाँ पर सम करने के लिए 9 कोड यूज होता है, बाकी के कोड्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एंटर करने, तो चलिए एंटर कर लिया जाए। तो एक बार एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे 311 रिजल्ट तो हमें से मिलना है। यहाँ पर इसको ड्रैग करवाता हूँ, देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रिजल्ट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन चलिए अब यहाँ पर होने वाला है कमाल। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको देख पाने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये चेंज करके कलर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपका टोटल है जिसपे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, दिख रहा है सम का फॉर्मूला ऊपर, ये देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख रहा है। बाकी यहाँ से F2 प्रेस कर दूंगा तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, F2 प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे सब टोटल है। ठीक है, दोनों ही दिख रहा है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फिल्टर अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट 1, 2, 3 का टोटल, ठीक है, 1, 2, 3 का टोटल और सब टोटल दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टोटल और सब टोटल दोनों ही सेलेक्ट करते हैं, तो सब टोटल का रिजल्ट कुछ और आ रहा है और टोटल का रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ये पहले वाला रिजल्ट है टोटल का, यानी कि टोटल जितने सब्जेक्ट है सबको ऐड करके टोटल दे रहा है, लेकिन सब टोटल जितना आपने फिल्टर क्राइटेरिया में यूज किया है। अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, देखिए अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ पे 4 भी चाहिए तो यहाँ से ओके कीजिए, ये अमाउंट बढ़ जाता है, देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर आप फिल्टर भी लगा देते हैं तो भी आपको टोटल करके दे देता है, ये सब टोटल की खासियत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ से चलते हैं और इस बार यहाँ पर मैं सब्जेक्ट 5 भी ले लेता हूँ, ये ले लिया सब्जेक्ट 5। तो देखिए यहाँ पे बढ़ गया ये, जबकि ये जो जनरल टोटल हमने किया वो तो सेम रहा, लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो सब टोटल काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। बाकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, आप लोग बताते भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।